नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। सूतापट्टी में हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल 3 अपराधी में से 1 अपराधी की इलाज के दौरान हुई मौत। और सकरा थाना क्षेत्र के रिपुरा गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 1 व्यक्ति को रॉड से मारकर किया घायल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। राजद नेता तुलसी राय मामले में पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाए। कल तक जिनकी तूती बोलती थी आज उनका बैंड बज गया। जो आदमी जो इन पर आरोप लगाया है वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, तो कोर्ट अपना काम कर रही है उसको करने दीजिए। अगर मान लीजिए न्यायालय से राहत नहीं होती है तो सिलेंडर करेंगे, उसमें परेशान होने की क्या बात है। पब्लिकता के नाम ले रही हूँ, राजू कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह, पिता उदय प्रताप सिंह, ग्राम बरादाए गिरफ्तारी के डर से फिरार है, जिनके घर पर आज इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। अगर वो पुलिस या माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो जल्द ही उनके घर की कुर्की की जाएगी। कांड संख्या 223 के नामजद अभियुक्त जो कि गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं, सभी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ इश्तेहार लिया गया है माननीय न्यायालय से और उनके घर पे आज चिपकाया जा रहा है। राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कांड में फरार चल रहे साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू के घर पर पुलिस ने शुक्रवार को इश्तेहार चिपका दिया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि समय रहते यदि वे पुलिस या कोर्ट के समक्ष सरेंडर नहीं करते तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। सिंह का घर मुजफ्फरपुर जिले के पारो थाना क्षेत्र के बड़ा दाऊद गाँव में है। मुजफ्फरपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को राजू सिंह राजू के खिलाफ इश्तेहार जारी किया था। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट के जज महेश्वर दुबे ने राजू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, लेकिन राजू पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। शुक्रवार को पारो थाने की पुलिस बैंड बाजे के साथ राजू सिंह के घर पर पहुंची। एक पुलिसकर्मी ने माइक पर इश्तेहार का मजमून पढ़कर सुनाया। इश्तेहार पढ़ने से पहले और बाद में बैंड पार्टी ने बैंड बजाया, फिर पुलिस ने घर पर इश्तेहार चिपकाया। पुलिसकर्मी ने इश्तेहार पढ़ा, राजू सिंह पिता उदय प्रताप सिंह ग्राम बड़ा दाऊद गिरफ्तारी के डर से फरार है, समय रहते यदि वे पुलिस या न्यायालय के समक्ष सरेंडर नहीं करते तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। सरैया के एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि कैमरे के सामने इश्तेहार चिपकाने की प्रक्रिया पूरी की गई थी, अब भी अगर राजू सिंह सरेंडर नहीं करते तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। मालूम हो कि राजू के खिलाफ पारो थाने की पुलिस ने 25 मई को तुलसी राय के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, तब से वे भूमिगत है। इससे पहले राजू के खिलाफ पारू के सीओ और सीआई ने 16 अप्रैल 2023 को एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी राजू खुलेआम घूमते नजर आ रहे थे। पर तुलसी राय अपहरण कांड में 25 मई को मुकदमा दर्ज होते ही राजू भूमिगत हो गए, तब से पुलिस उनकी तलाश में है लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। अपना काम कर रही है माननीय विधायक जी, कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब उसमें क्या है, अगर मान लीजिए उनको बेल नहीं मिलता है तो सिलेंडर करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अरे अभी तो लंबा प्रक्रिया है, जो आदमी जो इन पर आरोप लगाया है वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, तो कोर्ट अपना काम कर रही है उसको करने दीजिए। अगर मान लीजिए न्यायालय से राहत नहीं होती है तो सिलेंडर करेंगे, उसमें परेशान होने की क्या बात है। राजनीति भी हो रही है क्या इसमें? राजनीति सरकार उनकी है तो उनका दबाव तो ज्यादा रहेगा ही, और आदमी जो है अंतिम निर्णय के बाद ही सिलेंडर करता है। तो अभी समय है, अभी तो इश्तेहार चिपका है, कुर्की जब्ती होगी, इसी बीच में कुछ न कुछ रास्ता निकल जाए। कांड संख्या 223 के नामजद अभियुक्त जो की गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं, सभी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ इश्तेहार लिया गया है माननीय न्यायालय से और उनके घर पे आज चिपकाया जा रहा है। अगर वो जल्द ही पुलिस के समक्ष या माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया करते हैं तो जल्द ही उनके घर की कुर्की की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ? सभी नामजद 6 लोगों के खिलाफ इश्तेहार मिला है, उनके घर पे चिपकाया जा रहा है। समय सीमा क्या दिया जा रहा है कुर्की की? माननीय न्यायालय में हम लोग अर्जी दायर करेंगे और उसके बाद जो भी होगा, जैसे ही जल्द ही हम लोग कुर्की लेकर के और हम लोग कार्रवाई करेंगे।
सिवायपट्टी में हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल 3 अपराधी में से 1 अपराधी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते 14 तारीख को मुजफ्फरपुर के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में लगभग 20 राउंड फायरिंग भी हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी अपराधी जो हैं कांटी के CSP लूटकांड के वांछित अपराधी थे। ये सभी इस मामले में फरार चल रहे थे। इसी मामले को लेकर के DSP पूर्वी मनोज पांडे को सूचना मिली कि कुछ अपराधी सिवायपट्टी थाना क्षेत्र की एक बसवारी में एकत्रित हुए हैं। वहाँ DSP पूर्वी के नेतृत्व में वहां पर जब छापेमारी की गई तो अपराधी जो है वहां पर इधर उधर भागने लगे। जब उन्हें लगा कि वह भाग नहीं सकते हैं तब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसी क्रम में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग किया जिसमें 3 अपराधियों को गोली लगा। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को उस जगह से बसवारी से भारी मात्रा में बंदूक, जिंदा कारतूस और एक कार्बाइन भी बरामद हुआ था और भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ था। सभी घायलों को पुलिस बेहतर इलाज के लिए भेजा था। इसी क्रम में आज सुबह संतोष सहनी उर्फ बैगन की इलाज के दौरान मौत हो गई है। डॉक्टरों ने बताया कि उसको पहले से भी डायबिटीज की बीमारी थी। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी मुकेश के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। औराई थाना क्षेत्र के पटोरी गांव में लगी भीषण आग में दर्जनों घर जलकर राख हो गए। तकरीबन 5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ। जिले में भीषण गर्मी के बीच आग का मंजर देखा गया जिसने एक साथ 19 घरों को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया। करीब 5 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। घटना औराई थाना क्षेत्र के सरहचिया पंचायत के पटोरी गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ितों के बीच कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पहले नारायण स्वामी के घर में आग लगी थी। आग लगने के बाद चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे 1.5 दर्जन से अधिक घरों को अपने चपेट में ले लिया। तेज हवा की वजह से चारों तरफ फैलने लगी और पूरे घर को राख कर दिया। वहीं पंचायत के मुखिया राजदेव महतो ने बताया कि पछुआ हवा चल रही थी, इस दौरान घर में आग लगी। लगभग 19 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। घर में रखे सारे सामग्री और पैसे सभी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हम लोगों के स्तर से जो भी मदद होगी वह की जाएगी। घटना कैसे घटले से हमरा खुद न पता चला। घर में बकरी रहला के बकरी के लेके गेली वन में ठोक के आईली तो देखे छी लहरत रहले तले सामान निकाले निकाले तले घर में धरल के आग न जाय दे जाय गेल के घर में। कैसन स्थिति रहले यहाँ के? बहुत भयानक स्थिति की पता न आदमी के बुझा रही। इतना हवा भी रहले बहुत जोर रहले कि जाय पड़े न लोग झड़क तो एकदम आगे रहले बहुत बहुत बड़का बन के बढ़ रहे। बेटी के शादी के लिए बेटी के देवे लगे सामान सब हो गहना गुड़िया सब पैसा कौड़ी जो फर्नीचर तर्नीचर दुनिया जान अगरब वगैरह सामान सब तख्ता सब धरल पलंग कुर्सी बनवावे लगे सब देखी वहाँ पर ही सब जरल है। तीसरा महीना में शादी रहा। ये घटना पछिया हवा जो जितना तेज चल रही है इसकी वजह से एक अवैध अचानक घर में आग लगा। अभी तो अफरा तफरी मचा हुआ है। हम लोग पुष्टि नहीं कर पाए कि आग कैसे लगा है। हम लोग अभी कंट्रोलिंग करने में लगे हुए हैं। पूरा पंचायत के लोग दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मतलब हजारों के तादाद में लोग हैं। पंपी सेट 3-3 को चालू करके हम लोग आग कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हैं। अभी लमसम पुष्टि किए हैं तो 19 घर पुष्टि हो गया है कि जो 19 आदमी का घर इसमें था जो जल गया है। लोग आंकड़ा लगा रहा है कि कुछ ज़्यादा आदमी के घर है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सबको भाँप रहे हैं, सब ग्रामीण से बात कर रहे हैं, सब चिल्ला चिल्ली कर रहा है। 19 घर कन्फर्म हो गया है कि जल गया है। कितना का नुकसान होगा? ये लमसम 50 लाख से ऊपर के नुकसान है। इसमें कई लोगों के शादी था घर में, जो पैसे भी रखे थे और सारा सामान लकड़ी फर्नीचर सारा के सारा। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में बेटी की शादी के लिए खरीदारी करने जा रही शिक्षिका की बाइक सवार अपराधियों ने चेन छीन ली। शहर के मोती झील में बेटी की शादी की खरीदारी करने पहुंची शिक्षिका साधना कुमारी के गले से गुरुवार की रात बाइक सवार अपराधियों ने सोने की चेन छीन ली। घटना के समय महिला बीबी कॉलेजिएट गली में खड़ी अपनी कार में सामान रखने जा रही थी। बाइक सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर गले से चेन छीनकर टाउन थाना की ओर फरार हो गए। चेन छिनताई की पूरी घटना मॉल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है।
शिक्षिका साधना कुमारी ने बताया कि मिठनपुरा थाना के शिव शंकर पथ की रहने वाली है। उनके पति LIC में पोस्टेड है। उनके साथ बेटी की शादी की खरीदारी करने मोती झील आई थी। सारी दुकान व दो अन्य दुकान से सामान खरीदारी करके बीबी कॉलेजिएट गली में खड़ी कार में सामान रखने जा रही थी। बर्तन दुकान का एक स्टाफ भी उनके साथ जा रहा था। जैसे ही सामान रखने के लिए कार की डिक्की खोली तो पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए। एक बदमाश बाइक से उतर गया, दूसरा बदमाश आगे से गाड़ी मोड़ कर वापस आया। इसी बीच बाइक से नीचे उतरे अपराधी ने झपट्टा मार कर गले से सोने की चेन छीन ली। जब वह शोर मचाई तो आसपास के लोग बदमाश के पीछे दौड़े तो वह बाइक पर सवार होकर तेजी से टाउन थाने की ओर भाग निकला। चेन झपटने वाला बदमाश हाफ पैंट व पिंक कलर की टी शर्ट में था। चेन ने चुरा लिए, छुप काट लिया है। DNB मॉल के सामने खड़े थे गाड़ी के पास। कहाँ से आ रहे थे? अभी तो शॉपिंग करके मोती झील से। तो आए तो क्या हुआ था? मेरा सामान गाड़ी में, वहाँ का जो क्लीवर था तरंग कौड़ीस का दादा से, जो सामान रख रहा था मेरे गाड़ी में, और मैं अति हम वहाँ बगल में खड़े थे, उधर से आया है झपट्टा मार के गाड़ी पर बैठा है भाग गया। कितना? दो लोग था? दो आदमी था। एक आया है टेन की क्या? हाँ, हाफ पैंट गुलाबी रंग का टी शर्ट था और हाफ पैंट पहने हुए था वो। हम लोग ऐसे तरंग से कुछ सामान लिए थे, कुछ दादा स्ट्रीट से सामान, वही सामान है से लेकर हम लोग आ रहे थे गाड़ी में है से। वो दादा स्टील का है से लेबर भी था, मजदूर था, तो वो हम वो है से रख रही थी साइड में खड़ी थी, साइड में खड़ी हुई थी तो उसी में ही हल्ला की, वही में है उसमें हम लोग है से देखे जे के हाफ पैंट शर्ट, हाफ पैंट और नीला शर्ट पहने हुए लड़का भाग रहा है, हम लोग पीछा किए, गुलाबी है और पीछा किए, तब तक वो गाड़ी पर चढ़ गया और भाग चिंग निकला। हल्ला भी शोरगुल हुआ लेकिन वो निकलता चला गया। शादी का शॉपिंग करने आए? शादी का शॉपिंग। सकरा थाना क्षेत्र के रिपुरा गांव में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट में एक व्यक्ति की रॉड से मारकर घायल कर दिया। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रिपुरा गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। वही मारपीट की इस घटना में एक युवक को काफी गंभीर चोट आई है, उसे फिलहाल SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। दरअसल सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा में जगन्नाथ ठाकुर और विद्यानंद राय में बीते काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इसी बीच गुरुवार की दोपहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें विद्यानंद राय के बेटे कन्हाई गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं कई लोगों को जख्मी हुए हैं। घायल युवक कन्हाई की हालत बेहद गंभीर है, उसे इलाज के लिए SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल युवक के पिता के अनुसार कन्हाई पर नुकीले रॉड से हमला किया गया है। मामले को लेकर के सकरा थाने में आवेदन दिया गया है। मामला वो लोग हम लोग से बहुत जलता है, और मेरा लड़का वही पिंटू कुमार, सिंटू कुमार जो है जगन्नाथ ठाकुर का लड़का, और यहाँ तक कि जो वहाँ पर थूक भी फेंकते हैं अगर रोड पर उसके सामने तो बहुत गाली गलौज करता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अभी वो हमारा लड़का आ रहा था पुड़िया लेके रोड के उस पार से, वो पिंटू कुमार दारू पी के कहीं से आ रहा था, हमारे फरिक में उसको कुछ बगझक हो रहा था, बस इसको देखा कार मारो माधर चोत के, यही नहीं उसका परिदार है। रॉड धार वाला था जो कि छीन के रखा हुआ है, वही रॉड से मारा इसको माथा पर, जो कि 17 को टाका है, बांह पर मारे हुए है, बांह डैमेज है, पीठ पर मारे हुए है। हम लोग घर में सो रहे थे, हल्ला हुआ तब हम लोग घर से निकले, अगर हम लोग भी चाहते तो मार तो बहुत हो जाता, लेकिन हम लोग तुरंत अपना बच्चा को लेके हम लोग झगड़ा झंझट से अलग रहते। क्या नाम है इनका? कन्हाई कुमार राय। आप उनके क्या लगते हैं? पिताजी पूर्व से कोई विवाद भी है? पूर्व से तो ऐसे जलता है हम लोग से, क्योंकि बगल में घर है और वो लोग थोड़ा दबंग है, हम लोग भगिनमान है। यह समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा।
अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087727 एंड 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर छाता चौक मुजफ्फरपुर। आपके साथ और दो वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स दीवान पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। दो वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहाँ आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0% डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्चूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1।
जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5-65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। साहू पोखर स्थित मंदिर में पुरोहित महासभा की बैठक में सांसद अजय निषाद ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट गई है। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सांसद, विधायकों को टास्क दिया है कि वह डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क करें, भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धि को बताएं। इसी के तहत शुक्रवार को शाहू पोखर स्थित राम जानकी मंदिर में अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से पुरोहितों के साथ संपर्क से समर्थन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय निषाद शामिल हुए। इस अवसर पर अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से नवग्रह की पूजा अर्चना की गई और सांसद को गमछा व शंख देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद अजय निषाद के 9 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया गया। इस मौके पर सांसद अजय निषाद ने कहा कि पार्टी की तरफ से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसी के तहत पुरोहितों के साथ भी जनसंपर्क किया गया है और उनसे आम चुनाव 2024 के लिए समर्थन मांगा गया है। वहीं अखंड भारत पुरोहित महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि सांसद अजय निषाद के 9 साल पूरे होने पर पुरोहित महासभा ने नवग्रह की पूजा का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई। पार्टी का लगातार कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग का महाअभियान 1 महीने का जनसंपर्क का चल रहा है। उसी कड़ी में संपर्क से समर्थन की कड़ी में आज हम पुरोहित लोगों से समर्थन मांगने आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि 2019 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन भी जनवरी में तिथि तय हो गया है। उज्जैन मंदिर का भी क्रिया कायाकलाप चेंज हो गया, एकदम नया उन्नत तरीके से बन रहा है। और जो वाराणसी में भगवान शंकर का मंदिर है वो भी विष्णु, सब मंदिर जो भी है वहाँ पर अपना बनारस में सब मंदिर का मतलब जीर्णोद्धार हो रहा है और नया भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के कार्य क्रियाकलाप से जो पुरोहित वर्ग जो हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलिए कम से कम बहुत अरसे के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो मठ मंदिर के निर्माण के जो हेतु जो लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। साहू पोखर भी बड़ी जिनसिन है सर, धीरे धीरे तो इससे पहले भी तो जिनसिन था। आप ब्रह्मपुरा का भी देख लीजिएगा, जो तालाब था वहाँ का भी हम ही लोग उस अभियान को शुरुआत किए थे। उसके बाद यहाँ पर तो 4-5 पोखर का क्रिया कायाकलाप भी चेंज हो गया है और भविष्य में जो बचा हुआ है, सबसे बड़ा चीज़ है कि नगर निगम की भी जिम्मेवारी ज़्यादा है तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। स्मार्ट सिटी में नया नया जैसे कि 2-3 तालाब लिए हैं जो छूटा हुआ है उसको भी लेना चाहिए और काम। भीषण गर्मी में पीने का पानी की किल्लत झेल रहे वार्ड 39 के लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या झेल रहे वार्ड 39 के लोगों ने शुक्रवार को हाथ में बाल्टी लेकर नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम और वार्ड पार्षद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई महीने से समरसेबल खराब है, समरसेबल खराब रहने के कारण उन्हें पानी नहीं मिल रही है, इससे पानी की समस्या गहरा गई है। पानी की समस्या झेल रहे लोगों ने वार्ड पार्षद और नगर निगम के खिलाफ कई बार शिकायत की है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। पानी नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी संजय रजक ने कहा कि बीते कई महीने से वार्ड 39 के लोग पानी की समस्या झेल रहे हैं। इस भीषण गर्मी में उन्हें पीने के लिए पानी नहीं है,
दूसरे मोहल्ले में जाकर पानी का इंतजाम करते हैं। इसकी शिकायत नगर निगम और वार्ड पार्षद से की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। इससे पहले भी स्थानीय लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। इस बार फिर स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद और नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो वार्ड पार्षद का अर्थी जुलूस निकालकर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। समस्या ये है कि हम लोग यहाँ पे सभी जितने भी आम जनता है पब्लिक है, यहाँ पर पानी के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। कभी कभी पानी आती है और कभी कभी पानी नहीं आती है, और जितना भी घर में नल लगा हुआ है किसी के घर में पानी पहुँच नहीं पाती है। कौन सा वार्ड ये 39 नंबर वार्ड भवानी सिंह मार्ग। अच्छा, शिकायत क्या किए हैं? शिकायत तो क्या कंप्लेंट किए हम लोग, जुलूस भी निकाले इसके लिए, लेकिन उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। समस्या ये है कि ये वार्ड 39 है और इसी वार्ड में नगर निगम वर्कशॉप है, जहाँ पे मुजफ्फरपुर में पूरे शहर के लिए साफ सफाई से लेकर और पानी की व्यवस्था होती है। पर दुर्भाग्य की बात है कि इसी वार्ड में पानी से लेकर साफ सफाई के लिए लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इसी वार्ड में एक जल मीनार ऐसा भी है जो 2 साल पहले बना, समरसेबुल लगा, पर आज तक अधूरा है, कभी नहीं बना। जो समरसेबुल है वो आए दिन खराब होती जा रही है। इससे पहले भी लोग विरोध किए थे, मिस्त्री आके बना और वो खराब हो गया। और इस गर्मी में सबसे ज्यादा जो पानी होती है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जदयू जिला अध्यक्ष ने कार्यकारिणी की बैठक की। आम चुनाव 2024 को देखते हुए जदयू संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई है। शुक्रवार को मुसहरी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने की। इस दौरान पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी के गठन का निर्णय लिया गया। वही पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी का गठन कर बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की विफलताओं को विस्तार से बताया। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वह बूथ स्तर पर लोगों को केंद्र सरकार की विफलताओं को बताएं, देश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी की समस्या से लोगों को अवगत कराएं, इसके अलावा बिहार सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि आम चुनाव में जनता केंद्र सरकार को गद्दी से उतार कर दूसरे पार्टी की सरकार बनाएगी। बैठक में मैं उपस्थित हुआ हूं और इस बैठक का उद्देश्य है कि सभी पंचायत में पंचायत अध्यक्ष भी कार्यकारिणी का गठन करें, और कार्यकारिणी का गठन करके सभी बूथ तक जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक तैयारी करें, और सरकार का और सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो उद्देश्य है, विजन है, उसको बूथ स्तर तक जन जन तक पहुंचाए, ताकि हमारा संगठन को भी ऊंचाई के हद तक ले जाने में मौका मिले और आने वाला 24 जो 2024 है उस महागठबंधन के सभी प्रत्याशी का जीत हो, 40 का 40 सीट जीते, और नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार दमन लूट खसोट भ्रष्टाचार का जो सरकार है, 9 वर्षों में इनका पोल खुल चुका है, इनको भी हम लोग उस गद्दी से उतारने में कामयाब हो और संगठन को काफ़ी मजबूती मिले, यही हमारा उद्देश्य है। जिसमें महंगाई बेरोजगारी, केंद्र सरकार की महंगाई बेरोजगारी, वादा खिलाफी और तरह तरह के जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, दमन करने का काम करते हैं, जिससे देश के उस आपके सिटी न्यूज चैनल से बातचीत करने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के आह्वान पर प्रदेश के सभी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। इसके पहले जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो चुकी थी और 20 से लेकर के 30 के बीच में पंचायत स्तर पर पंचायत कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो रहा है। इसके पीछे उद्देश्य है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, मोहल्ला स्तर पर, टोला स्तर पर आम जनता के बीच मुख्यमंत्री नीतीश जी के विकास कार्यों के संदेश को पहुंचाना एवं जनता दल यूनाइटेड के पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना, इसके लिए जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में
एवं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश द्वारा प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जिला के हर प्रखंड के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। बैठक का लक्ष्य उनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एवं 25 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी को देखते हुए आज मुसहरी प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिस बैठक में पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा जी मुख्य रूप से भाग लिए हैं और बैठक में रणनीति तय की गई है कि मुसहरी प्रखंड के 2600 पंचायत में। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।